नमस्कार बच्चों, कक्षा 9 में आज हमारा टॉपिक है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज। बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके लिए हमने एक वर्गीकृत शीट का प्रयोग किया है जिसमें बराबर समान एक समान वर्ग बनाए गए हैं, जैसा कि छोटे होते आपकी गणित की कॉपियों में हुआ करता था, वही हमने एक शीट ली है। यहां आप देख पा रहे हैं, ये एक रेखा है, मान लीजिए इसका नाम है L, और यह एक रेखा है जिसका नाम है M। तो ये, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये समांतर रेखाएं हैं, ये एक दूसरे के समांतर हैं। हमने कहा एक ही समांतर रेखाओं के बीच में और एक ही आधार। तो बच्चों, ये हमने एक आधार ले लिया है, एक छोटा सा इस रेखा का एक छोटा सा खंड यानी रेखाखंड ले लिया है। मान लीजिए इसका हम नाम लिख लेते हैं ए बी। ठीक है बच्चों, हम देखेंगे कि इस ए बी आधार पर और इन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच में यदि हम कुछ समांतर चतुर्भुज बनाते हैं तो वे कैसे होंगे, आइए देखते हैं। बच्चों देखिए, सबसे पहले हमने इस आधार AB को लेकर एक समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से बनाया है जिसमें इस रेखा L पर C और D दो बिंदु हमने लिए, जिसे यह एक समांतर चतुर्भुज बन गया है। आइए हम इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखते हैं। और बच्चों, आपको याद होगा जब हम छोटी क्लासेस में इस प्रकार की आकृति का क्षेत्रफल निकालते थे तो हम देखते थे इसमें पूरे वर्ग और आधे से अधिक वर्ग और आधे वर्ग, और उन सबको हम गिनते थे। तो आइए सबसे पहले इसमें हम गिनते हैं पूरे वर्ग। मैं इसे थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूं ताकि आप ध्यान से इसे देखकर समझ सकें। तो देखिए बच्चों, अब हम इसमें सबसे पहले पूरे वर्ग गिनेंगे, जो पूरा वर्ग इसी आकृति यानी इसी समांतर चतुर्भुज के अंदर है। देखिए, यह पूरा वर्ग नहीं है ना, यह आधा कटा हुआ है, इसको अभी नहीं गिनेंगे। पूरे वर्ग 1, 2, 3, 4, 5, यह भी पूरा नहीं है, इसको छोड़ दिया। यह भी पूरा नहीं है, इसको छोड़ दिया। 6, 7, 8, 9, 10, यह भी नहीं गिना। 11, 12, 13, 14, 15, यह भी नहीं गिना। 16, 17, 18, 19, 20, ये नहीं गिना। 21, 22, 23, 24, 25, और ये नहीं गिना। 26, 27, 28, 29 और 30। तो इस समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के अंदर कुल 30 पूरे वर्ग हैं। ठीक है बच्चों, इन्हें हम याद रखेंगे, और इसके साथ ही जो आधे से ज्यादा घिरे हुए वर्ग हैं उनको भी गिन लेते हैं। ये आधे से ज्यादा घिरा है 1, ये नहीं घिरा है, ये छोटा है आधे से। ये आधे से ज्यादा घिरा है 2, ये छोटा है। आधे से अधिक, ये हो गया तीसरा, ये छोटा है। आधे से अधिक चौथा, ये छोटा है। आधे से अधिक पांचवा, ये छोटा है। आधे से अधिक छठा, और ये छोटा है। इसका मतलब आधे से अधिक घिरे वर्ग हैं 6। तो बच्चों देखिए, हम इसे अलग से लिखते हैं, पूरे वर्ग जो कि हमारे पास आए हैं 30, और आधे से अधिक घिरे वर्ग ये हमारे पास है 6। और अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई आधे वर्ग भी हैं जो बिल्कुल बीच में से ऐसे काट रहा हो। यहां भी नहीं है, 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 यहां भी नहीं है। इसी प्रकार यहां, 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 यहां या यहां, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो बिल्कुल आधे में ऐसे काटकर आधा वर्ग हो। तो इसका मतलब आधे वर्ग शून्य है, उन्हें हम नहीं गिनेंगे। तो बच्चों, इसका तरीका क्या होता है, जो पूरे वर्ग हैं और आधे से अधिक वर्ग हैं उन्हें आपस में प्लस कर लेते हैं, 30 और 6, 36। यदि कुछ आधे वर्ग होते तो उनका आधा इसमें प्लस करते, तो ऐसा है नहीं। इसका मतलब बच्चों यह है कि हमने देखा कि इस समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल आया है
वह आया है 36 वर्ग इकाई, वह आया है 36 वर्ग इकाई। ठीक है बच्चों, 36 वर्ग इकाई इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आया है। अब हम बच्चों क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि इन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच में और इसी आधार पर यदि एक और समांतर चतुर्भुज बनाया जाए तो क्या उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये हम अभी पता लगाएंगे। तो देखिए हम यहां पर एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। इस प्रकार से, और अब हमारे पास यहां एक बिंदु हम ले लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं F। ठीक है बच्चों, ये बिंदु है D। अब हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज बन गया A B D F, यानी ये वाला समांतर चतुर्भुज। अब हम इसका भी क्षेत्रफल निकालकर देखते हैं। तो आइए इसको भी हम जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें क्लियर दिखाई दे। और आइए अब हम इसमें पहले पूरे वर्ग गिनेंगे बच्चों, और उसके बाद आधे से अधिक वर्ग। तो देखिए इस समांतर चतुर्भुज को लेना, इस लाइन को अभी आप भूल जाइए। तो इसमें देखिए एक पूरा वर्ग, दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, ये पूरा नहीं है, 11, 12, 13, 14, 15, ये भी पूरा नहीं है, 16, 17, 18, 19, 20, ये भी पूरा नहीं है, 21, 22, 23, 24, 25, ये भी पूरा नहीं है, ये भी पूरा नहीं है, 26, 27, 28, 29 और 30, यह भी पूरा नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा, इसमें जो पूरे वर्ग हैं, इसमें जो पूरे वर्ग हैं वे आए हैं 30। अब हम देखेंगे आधे से अधिक वर्ग, आधे से अधिक वर्ग। तो आइए हम आधे से अधिक वर्ग गिनते हैं। देखिए बच्चों इस चतुर्भुज में, इस चतुर्भुज में यह आधे से कम है और यह आधे से अधिक है, तो एक हो गया। यह आधे से कम है, ये तो पूरे थे, ये हम गिन चुके हैं। यह अधिक से अधिक है, तो आधे से अधिक एक ये और एक ये, दो हो गया। यह आधे से कम है, यह आधे से अधिक है, तीन हो गए। यह आधे से कम है, यह आधे से अधिक है, चार हो गए। यह अधिक से कम है, यह आधे से अधिक है, पांच हो गए। यह आधे से कम है, यह आधे से अधिक है, छह हो गए। इसका मतलब इस समांतर चतुर्भुज में आधे से अधिक वर्ग आए हैं छह। तो बच्चों कुल वर्ग कितने हो गए, 30 प्लस 6 36। आइए देखते हैं क्या इसमें कोई आधा वर्ग है। देखिए यह भी आधा नहीं है, यह पूरा 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 पूरे वर्ग है, यह भी आधा नहीं 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 है और यह भी आधा नहीं है। इसी प्रकार से यहां पर भी कोई वर्ग बिल्कुल आधा नहीं है, कुछ आधे से अधिक है या कुछ आधे से कम है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस आकृति में भी यह जो हमारे पास समांतर चतुर्भुज है ए बी डी एफ, इसमें भी जो हमारे पास वर्गों की संख्या आई है वह आई है 36। इसका अर्थ है इसका क्षेत्रफल होगा 36 वर्ग इकाई। तो बच्चों हमने देखा कि इसी आधार पर और इन दो समांतर रेखाओं के बीच में हमने दो समांतर चतुर्भुज बनाए, ए बी सी डी और ए बी डी एफ, और हमने देखा कि इन दोनों के ही क्षेत्रफल 36 वर्ग इकाई आया है। तो बच्चों यदि आप कोई और भी चतुर्भुज यहां बनाएंगे, समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, उसका भी जो क्षेत्रफल होगा वह 36 वर्ग इकाई ही आएगा। आप अपनी नोटबुक में स्वयं भी यह एक्टिविटी करके देख सकते हैं। तो बच्चों इस एक्टिविटी से, इस गतिविधि से हमने क्या सीखा कि एक ही आधार, जैसे एक ही आधार है ए बी और एक ही समांतर रेखाओं
एल और एम दो समांतर रेखाओं के बीच में ही ये वाला चतुर्भुज बना था, ये वाला समांतर चतुर्भुज बना था, और इन्हीं दो रेखाओं के बीच में यह वाला समांतर चतुर्भुज बना था, ए बी सी डी और ए बी डी एफ। तो हमने देखा एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बनने वाले समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, इनका क्षेत्रफल बराबर होता है। आशा करता हूं आप इसे अवश्य स्मरण रखेंगे। धन्यवाद बच्चों।